मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाएंगे केले की एक मजेदार सब्जी, जिसके लिए देखिए यहाँ पे केले का पेड़ है, तो चलिए केले को तोड़ते हैं। आ जाइए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केला लगा हुआ है, कितना बढ़िया सा। ये देखिए प्रकृति की देन, तो कितना बड़ा ये घर है। हम यहीं में से केले लेने वाले हैं, तो आप वीडियो पे बने रहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये केले का झाड़ देख लीजिए, कितना सुंदर है, कितना मस्त है। भगवान हमें कितना अच्छा अच्छा चीजें देते हैं। ये देखिए, तो हम इसे कट करने वाले हैं। ये देखिए, ये देखिए ऊपर कितने मोटे मोटे लगे, तो ये ऊपर के पक गए हैं, तो नीचे का कटे केले का हम रेसिपी बनाने वाले हैं। अभी मौसी जी से कट करेंगी, काटिए इसे। और यहाँ पे परी है जो पकड़ी हुई है, हाय कर दो परी। तो ये देखिए केले हैं, नीचे कच्चे कच्चे हैं और ऊपर पके पके हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे हमने इस आकार में केले काट लिए हैं हमारे नाश्ते के लिए। एक चम्मच जीरा, एक चम्मच काली मिर्च, दो तीन हरी मिर्ची स्वाद अनुसार, और थोड़े से लहसुन। इन्हें हम पीस लेंगे, आप कूट भी सकते हैं। यहाँ पे हम कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं, हम यहाँ पे चूल्हे पे बना रहे हैं इसे, तो तकरीबन हम दो चम्मच इसके अंदर तेल ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे लाल मिर्ची ली है दो तीन, इसे तोड़ लिया है रफली, इसे डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पे हमने हल्दी ली है तकरीबन एक चम्मच, हम केलों पे ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, तो मिक्स कर देंगे इसे अपने हाथों से। तो केले सफेद सफेद हैं, तो अच्छी सी पीली कोट हो जाती है इसके ऊपर, तो अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, कढ़ाई में इसे डाल देंगे। ये देखिए केले को हमने डाल दिया कढ़ाई में, इसे चला लेंगे थोड़ा। तो ये नाश्ता हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, और बहुत बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, बच्चे बहुत मजे से खाएंगे। केले को हमने अच्छे से भून लिया है, तो इस पे परत आ गई है, तो इस पे हम ऐड करेंगे पीसे हुए मसाले जो हमने पीसे थे, ये जीरा काली मिर्च। मिक्स कर लेते हैं, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो हम जो मसाले पीसे थे ना, उसी कटोरी से इसमें पानी ऐड करेंगे। तो केले को पकने इतना हम इसके अंदर पानी ऐड किए हैं। तो ये देखिए आधा कटोरी तकरीबन इसके अंदर हमने पानी डाला है। नंबर स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अब इसे ढक देंगे हम चला के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ही देर में पकने वाला है, तो इसे पकने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, 7 से 5 मिनट लगता है, पक जाता है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसे हम सर्व करने वाले हैं। Come on, pass you guys.